दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, लड़कियों के सबसे ज्यादा घुंघराले बाल कहां होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इस प्रश्न का सही जवाब अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका में ज्यादातर लड़कियों के बाल घुंघराले होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि कोई 18 साल की लड़की ढीले ढाले कपड़े पहनकर आपके आगे झुक के प्रणाम करे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर आचरण, उस लड़की का आचरण बहुत अच्छा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सचिन तेंदुलकर को प्लेन से बिना पैराशूट के बाहर फेंक दिया गया, वे बच गए कैसे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्योंकि उस समय प्लेन रनवे पर था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आपकी जेब में 5 चॉकलेट्स हैं, 2 आपने निकाल ली, तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इस सवाल का सही जवाब है 5, क्योंकि जेब में 5 चॉकलेट्स हैं, अगर 2 हमने निकाल भी ली तो हमारे पास तो 5 ही चॉकलेट्स बचेगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अंधेरे को हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर हम आंख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान और कान को जीभ कहते तो हम किससे सुनते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जीभ से। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आपके शहर में कितने ट्रैफिक लाइट है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कोई भी शहर हो ट्रैफिक लाइट चेंज नहीं होती है, ये हमेशा रेड, ग्रीन और येलो ही होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कली जो पत्तों में इस तरह छिप जाती है कि दिखाई नहीं पड़ती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इसका सही जवाब होगा छिपकली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि लड़की अपने कपड़े उतार दे तो क्या होगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर लड़की ने जिस तार पर अपने कपड़े सुखाए हैं वो तार कपड़े उतारने के बाद खाली हो जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में किस देश की लड़की से शादी करने पर वहां की सरकार नौकरी देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर आइसलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है। इस नौकरी से तकरीबन 3 लाख रुपए प्रति महीने वेतन के साथ ही वहां की नागरिकता मुफ्त में दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पति और पत्नी दोनों रात में ही लेना पसंद करते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नींद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो क्या चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर परछाई, कभी गीली नहीं होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आपकी दोनों टांगों के बीच में क्या है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर मेरे दोनों टांगों के बीच में घुटना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं तो 10 खरगोश 10 मिनट में कितने सेब खाएंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 20 सेब, क्योंकि 1 खरगोश 1 सेब 5 मिनट में खाता है। दोस्तों यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 1 अंगूठा और 4 अंगुलियां लेकिन हाथ नहीं है, बताओ क्या? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दस्ताना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़कियां अपनी एक टांग कब उठाती हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर किसी चीज पर चढ़ते समय। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों की बड़ी और लड़कों की छोटी होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सिर के बाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वर्ष और शनिवार में हिंदी का अक्षर व ही एक बार आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 3 लगातार दिनों के नाम बोल सकते हैं पर बुधवार शुक्रवार रविवार नहीं आना चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर यस्टरडे टुडे और टुमारो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मोर एक चिड़िया है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मादा मोर अंडे देती है, नर मोर नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या होगा अगर एक सुबह आप उठे और पाए कि आप प्रेग्नेंट हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मैं अपने पति के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत एक्साइटेड होऊंगी और छुट्टी ले लूंगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक नवजात के शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 270 ml। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो बाहर फ्री में मिलता है और हॉस्पिटल में पैसों से? कैंडिडेट जवाब देती है, सर ऑक्सीजन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अक्सर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह जैसे तमाम खुशी के मौके पर किन्नर आ जाते हैं और तालियां बजाते हुए दुआएं देते हैं। उनकी तालियों की आवाज वैसी नहीं होती है जैसी कि स्कूल कॉलेजों या दूसरे मौकों पर तालियों से निकलती है। किन्नर बिना मतलब ताली नहीं बजाते, बल्कि ताली का ये खास अंदाज उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। ताली की खास आवाज और बजाने के तरीके से एक किन्नर दूसरे की पहचान कर लेता है। अक्सर किन्नर स्त्रियों के कपड़ों में होते हैं, लेकिन कई बार वे पुरुषों की पोशाक में भी होते हैं। ऐसे में अपनी बिरादरी के लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें ताली बजाकर अपने असल होने का सबूत देना होता है। किन्नर शादी ब्याह जैसे उत्सवों में घर पहुंच जाते हैं और ताली बजाकर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन अपने समुदाय में वे ताली के जरिए भी भावनाएं जाहिर करते हैं। गुस्सा होने या खुशी में
वे बात करते हुए ताली बजाते जाते हैं। किन्नरों के ताली बजाने का अपना तरीका होता है। आम ताली में दोनों हाथ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होते हैं और उंगलियां आपस में लगभग जुड़ी होती हैं। वहीं किन्नर जब ताली बजाते हैं तो एक हाथ वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल तरीके से आपस में जुड़ता है और उंगलियां एकदम दूर दूर होती हैं। इस ताली से खास तरह की आवाज निकलती है जो काफी ऊंची होती है। योगाचार्यों की माने तो किन्नर जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वे ताली बजाते हैं। आपने किन्नरों को अस्पताल में इलाज कराते नहीं देखा होगा। दरअसल ताली उनके लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी है जो बाकी लोगों को भी अपनानी चाहिए। किन्नर समुदाय के बारे में काफी सारी बातें हैं जो दूसरों से अलग हैं। जैसे यहाँ किसी नए किन्नर को समाज में शामिल करने के लिए काफी रीति रिवाज होते हैं। नए किन्नर की शारीरिक और मानसिक अवस्था जांचकर पक्का किया जाता है कि वो किन्नर समुदाय से जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद शामिल होने पर बाकायदा भोज और नाच गाना भी होता है। फ्रेंड्स, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।